सो फाइनली गाइज, आज है हमारे पास रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 का रेट्रो मॉडल। गौर कीजिएगा, रॉयल इनफील्ड कंपनी ने अपनी हंटर 350 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसमें पहला मॉडल मेट्रो मॉडल आपको मिलता है, जिसमें आपको डुअल टोनिंग मिलती है, और ये जो स्क्रीन पे मॉडल देख पा रहे होंगे ये इसका रेट्रो मॉडल है, जिसमें आपको सिंगल टोनिंग मिलती है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको डिटेल में देंगे, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स हैं, क्या नए स्पेसिफिकेशंस ऐड किए गए हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर एकेबी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का रेट्रो मॉडल। सिंगल टोनिंग इसमें आपको मिलती है। जो कलर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये है फैक्ट्री सिल्वर कलर। इसके अलावा इसमें आपको एक कलर वेरियंट और मिलता है, जो की ब्लैक कलर का मिलता है, जिसका रिव्यू आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पे मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके प्राइस की। तो गौर से सुनिएगा, दो वेरियंट इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें से पहला मेट्रो मॉडल मिलेगा, जिसे आप टॉप मॉडल भी कह सकते हैं, और ये जो स्क्रीन पे आप मॉडल देख पा रहे होंगे ये रेट्रो मॉडल है, जिसे आप बेस वेरिएंट भी कह सकते हैं। तो इसकी हम प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,49,900 रुपीज, 1,49,900 रुपए देखने को मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। जो इसकी कम्प्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 1,95,000 टू 2,05,000 रुपीज, यानी 1,95,000 से 2,05,000 रुपए के बीच में इसकी कम्प्लीट ऑन रोड प्राइस आपको मिल जाएगी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। चलिए प्राइस की बात हो गई, बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसका इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर आपको बल्ब वाला ही मिलता है एक रेगुलर डिजाइन में। जो फ्रंट का हेडलैम्प है वो आपको बल्ब वाला मिलता है, जिसमें आपको 55/60 वाट का H4 का हैलोजन बल्ब मिलता है। तो यहाँ पे LED जैसी कोई सुविधा आपको नहीं मिलती है, बट जो बल्ब है वो आपको काफी हाईएस्ट क्वालिटी का बल्ब मिलता है, जिसकी विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक मिलेगा, जिसमें 41mm का फॉर्क मिलेगा, और ट्रेवल आपको 130mm का मिल जाता है। तो सस्पेंशन क्वालिटी भी काफी बेहतर मिलती है। साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है, जो कि नाइट के टाइम में काफी हेल्पफुल होते हैं। फ्रंट का जो ब्रेक है वो 2 पिस्टन कैलिपर का आपको 300mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, और इसमें आपको ABS का सपोर्ट मिल जाता है, ब्रेकिंग आपकी काफी बेहतर हो जाती है। जो फ्रंट का टायर है वो 110/70 का 17 इंच का ट्यूब टायर मिलेगा। गौर कीजिएगा इस चीज का कि इसमें आपको ट्यूब टायर मिलते हैं, उसकी वजह ये है कि इसमें आपको जो व्हील मिलता है वो स्पोक व्हील मिलते हैं, यानी तीली वाले व्हील मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपको ट्यूब टायर मिलता है। आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, आप अलॉय व्हील को इंस्टॉल करवाने के बाद उसमें ट्यूबलेस टायर भी इंस्टॉल करवा पाते हैं। तो जैसे ही आप इसमें कस्टमाइजेशन करवाते हैं, रॉयल इनफील्ड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, बट प्राइस आपकी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिलेगा। तो स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर रखी गई है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। जो इसके मिरर है वो आपको राउंड शेप में मिलेंगे, जो कि रॉयल इनफील्ड कंपनी का एक पेटेंट मॉडल है, और राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलता है। तो स्विचिंग क्वालिटी को लेके इसमें नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, LCD स्क्रीन भी मिल जाती है, जिसमें टैकोमीटर आपको एनालॉग मिलता है, एक छोटा सा डिजिटल सेटअप नीचे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अपना ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आप देख पाते हैं। तो सेमी डिजिटल मीटर कंसोल इसमें आपको मिलता है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको काफी नीट एंड क्लीन मिलता है। यहाँ पे आपको सिंगल टोनिंग मिलती है, सिल्वर कलर का आपको टैंक मिल जाता है, काफी खूबसूरत लगता है। रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है रेड कलर के स्टिकर्स में, और इसमें आपको गोल्डन कलर के स्टिपिंग भी मिल जाते हैं, जो कि लुक को काफी इनहेंस करते हैं। टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपको 13 लीटर की मिलती है, 13 लीटर तक आप इसमें फ्यूल फिलअप करवा पाते हैं। और माइलेज की बात करें तो इस बाइक से आप 35-38 तक का माइलेज आसानी से ले पाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम इसमें आपको मिलता है, तो फ्यूल इफिशियंसी आपकी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है। वहीं इंजन की बात करें तो इसमें आपको 349cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। जो मैक्स पावर है वो 20.2 bhp की है 6100 rpm पे, और जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 27 न्यूटन मीटर का मिलेगा 4000 rpm पे। पावर और टॉर्क को लेके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साइड स्टैंड में आपको इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिल जाता है, तो अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर फीचर्स इसमें इंस्टॉल किया गया है। वहीं साइड पैनल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको स्टिकरिंग में मिलती है, काफी प्रीमियम लगता है। और जो सीट है वो आपको काफी आरामदायक मिलती है, सीट की कुशनिंग भी आपको काफी आरामदायक मिलेगी। तो आप लॉन्ग दूरी भी तय करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो सीटिंग कंफर्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे आपको एक ब्लैक कलर का ग्रैब रेल भी मिलता है, जो कि आपको एक काफी अच्छी ग्रिप भी प्रोवाइड करता है। और अच्छी चीज ये है कि साड़ी गार्ड भी आपको इसमें प्रिंस्टॉल मिल जाता है। रियर प्रोफाइल में जो आपको टेल लैंप मिलेगा वो आपको बल्ब वाला मिलता है राउंड शेप का, काफी रेट्रो लुक इसको प्रोवाइड करता है। और जो रियर के इंडिकेटर है वो भी आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। पीछे का जो मड गार्ड है वो आपको मेटल का देखने को मिलता है,
मिलता है, फाइबर का मडगार्ड नहीं मिलता है, तो इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वहीं जो रियर का सस्पेंशन है वो आपको ट्विन ट्यूब इमुलेशन शॉक 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड मिलता है। तो सस्पेंशन आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है, तो उसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट करवा पाते हैं, तो ये भी मुझे काफी सही लगा। जो रियर का टायर है वो 140/70 का 17 इंच का ट्यूब टायर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ट्यूब टायर मिलता है, जिसकी वजह ये है कि इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं। तो अगर आप अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो इंस्टॉल करवा सकते हैं, और अलॉय व्हील लगवाने के बाद आप ट्यूबलेस टायर भी इसमें इंस्टॉल करवा पाते हैं। दूसरे साइड पैनल पे भी आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग मिलती है, काफी इनहेंस करता है इसके लुक को, और किक इसमें आपको नहीं मिलता है, इस चीज को गौर कर लीजिएगा, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैटरी का ठीक ढंग से रखरखाव रखेंगे तो आपको किक की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायमेंशन की बात करें तो जो इसकी लंबाई है आपको 2055 mm, हाइट 1055 mm, व्हील बेस 1317 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm, सीट हाइट 800 mm और कर्व वेट 181 kg का मिलता है। तो कैसी लगी ये बाइक और कैसी लगी ये वीडियो आपको मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।